शुरुआत और एक नंबर जर्सी के खिलाड़ी को बाहर कर दिया उदित नारायण को, जिस मुस्ताद के लिए जाने रखे कबड्डी में, और सारे तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और इधर वहां निकलना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा कमाल लाजवाब कैच, जैसे ही पैर उन्होंने डाले अच्छी बात नहीं, कैची में मारे कैची बात है, एक और एक शानदार मुकाबला दो टीम की ओर से और दो चल रहे हैं, अभी तो अंक दोनों छह हजार हो चुके हैं, उधर उदित तो इधर बजेंगे, एक और दो, एक और दो, क्या गजब का मुकाबला चलता हुआ, पहले से ही मैच में रोमांचक आ गया मारका है, उदित लाल गर्म होने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले गर्म हो जाए और उसके बाद इशारा दिया जाए, उसको इतने दो और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार लंबे कैदों का इस्तेमाल, लेकिन स्कोर अभी तक जा पहुंचा दो होता हुआ हमारे बीच, जो कि हमारे बड़े भाई इमरान कबड्डी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे अकेडमी का मैच आप देखते रहिए रात दिन, जो कि अपना चैनल का विस्तार दिखा रहे हैं इमरान जी, यहां से अपने चैनल को लेकर चलेंगे, मोटे वतन के खिलाड़ी है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जौनपुर जिले का नाम सबसे पहले कबड्डी में ऊंचा रहता है, और ये कमाल उदित और धीरे धीरे इंदिरा गांधी स्टेडियम के प्लेयर चालू हो रहे हैं, तीन और एक अभी तक मैच में रौनक, अभी तक 30 मिनट के मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता मार्चा, लेकिन पहले बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे जौनपुर के, कि पहले बढ़ा जाए उसके बाद दबाया जाए, कोशिश किया जाए, और अभी तक स्कोर जा पहुंचा इस समय वाराणसी भी अपने आप में कम नहीं, दो की दोनों टीमें कोई किसी से कम नहीं, ईद का जवाब पत्थर से दोनों में मिल रहा, मैंने पहले बताया कि दोनों टीमें बड़े ही सशक्त टीमें फाइनल में हैं, किसी से कम नहीं रहेगा स्कोर इस समय दो और तीन, बहुत ही अच्छे बैक साइड पर, बहुत ही अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, एक नंबर जैसी के खिलाड़ी दो बार ही जाने जाते हैं, लेकिन किस तरह से वेटरन के सामने कोशिश करते हैं, बहुत ही जोरदार जौनपुर के लाल कहते हैं ये लोग, प्यार से बुलाते हैं रजत और कमाल करते हैं बड़े अच्छे, ये देखिए नंबर एक की जर्सी पहने हुए बड़े सूझबूझ के खिलाड़ी लगातार थोड़ी आज भूमिका है, बिल्कुल उनकी तेज है इस समय खिलाड़ी के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा इस समय तीन और दो, बड़ी ही सशक्त टीमें फाइनल में बड़ी ही मजबूरी के साथ, किसी से कम नहीं, ईद का जवाब पत्थर से दे रही है दोनों टीमें मारता है, एक तरफ इंदिरा गांधी तो एक तरफ पचरंगा पीटर सिंह, किसी से कम नहीं, लेकिन ये 30 मिनट का मैच बड़ा ही शानदार मैच चलेगा फाइनल में, ये थर्ड रेड दो आगाही रेड पचरंगा पीटर की ओर से, करो और मारो एक बार फिर रेडर के ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी करना होगा, एंड आउट हो जाएंगे, अच्छे लगे प्रयास कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर लगातार प्रयास हो रहा है, इस समय इंदिरा गांधी स्टेडियम जौनपुर लगातार तीन बार कैच हुए माता व्यक्ति आई, और इंदिरा गांधी के स्टेडियम इनको समझ गए कि आप जहां आएंगे आपको दबोच कर बाहर कर देंगे, दो आर दाई के पास, दो आर दाई का कमाल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी है लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अंकों को तलाश कर रहे हैं कि दिया जाए, अभी बार अंपायर का फैसला आना बाकी, अंपायर बताएंगे हमारे रेफरी महोदय का लास्ट डिसीजन, कैच वन पॉइंट बजरंग हॉस्पिटल, तो स्कोर पर नजर डाला जाए तीन और चार, इंदिरा गांधी अभी भी एक अंक से बढ़त है और बजरंग हॉस्पिटल जो कि टीम पर रुकी हुई है, अभी भी बहुत ही मोटे वतन के खिलाड़ी है, इस बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंपायर का फैसला आना बाकी, बहुत ही शानदार पकड़, कोशिश जरूर की थी मोटे वतन के खिलाड़ी बजरंग को, पूरी छोड़ दी थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, अंपायर ने आनंद गोल को आउट करा दिया, एक अंक और मिला इस समय इंदिरा गांधी पांच और तीन, एक बार फिर लगा बहुत ही जबरदस्त, और
मारे ढंचोर ना ना यार भाई लग गया था मतलब खेल है तो इमा करो या मरो बजरंग हॉकी दल के खिलाड़ी आपको एक वार्निंग मिली हमारे पास देखिए शासन से गेम खेलेगा दोनों लोगों शासन से खेलिए दोनों को कहा जा रहा है गेम गेम की तरह खेले इंदिरा गांधी स्टेडियम में दर्शकों की संख्या तीन खंडा करके स्कोर 6-5 एक अंकों की बिल्कुल बड़ा बना के रखे हुए है रजत पहले से ही कोशिश कर रहे हैं अंकों की बढ़ाया जाए लेकिन बहुत ही मजबूत कंधे के खिलाड़ी है इस समय बजरंग हॉस्पिटल सुपुर आवासी वाकई में खेल की जो रणनीति है बड़ी सूझबूझ की है दोनों टीमों की गजब की पकड़ है लेकिन बहुत सुंदर पॉइंट मिलेगा देखिए दो पॉइंट देते हैं दो पॉइंट एक पॉइंट गलत आठ में और बचा हुआ हाफ टाइम में 7 मिनट का खेल समाप्त हो गया है पहले हाफ से 15 मिनट में से अगर देखा जाए 7 मिनट समाप्त स्कोर जा पहुंचा इस समय जो कि बजरंग हॉस्पिटल का 8 और इंदिरा गांधी स्टेडियम का स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ इंदिरा गांधी आगे चल रही है लेकिन रजत और उदित काफी बाहर है निराश है आप 4 बार लगातार बजरंग के खिलाड़ियों ने उनको बाहर किया अभी तक कोई अंक नहीं फाइनल में लगा पाए इसके पहले बहुत ही गजब शानदार मैच खेला है उन्होंने लेकिन फाइनल में बिल्कुल नहीं चलने दिया बजरंग के खिलाड़ी और इस बार सात कानों पे कटेक किया और जाके साथ इन्होंने एक अंक हासिल कर दिए और रजत इसी के साथ 7 ओवर मैच जो होगा फाइनल जिस फाइनल के होना चाहिए माता वो फाइनल तो जरूर चाहिए मैदान पे और 30 मिनट के समय में कौन हारेगी कौन जीतेगी वो तो वक्त बताएगा लेकिन फाइनल जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से फाइनल हो रहा है देखने को मिल रहा है इसमें ए भाई तुम क्या करता है और परफेक्ट सोच रहे थे कि फाइनल फाइनल की तरह होगा ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा हार जीत तो लगी रहेगी लेकिन दर्शकों का मन इंदिरा गांधी स्टेडियम और बजरंग के खिलाड़ियों ने आज जीत लिया है इस अरोनी के मैदान पर बहुत ही शानदार अभी तक इन्होंने जो एंकल होल्ड कर दिखाया और एक बार फिर पुनः प्रयास किए हैं अंपायर का फैसला अभी आना बाकी है आप अपने पैरों से लगे हो रही थे ये बड़ी बिल्कुल बिल्कुल दो गाड़ी में सफल होना रेडर बहुत ही अच्छा रेडर और थोड़ा सी गलती कर बैठे उदित नारायण और उनके खिलाड़ी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर हम देखे गलती की करते हैं जौनपुर के टीम के लिए उलट बड़ा कदम ये भी माना नहीं है पॉइंट के साथ तो आगे बढ़ा 9-10 और किसान जो की बहुत ही अच्छे डिफेंसर थे लेकिन सोच रहे थे उदित को रजत को रोक लेंगे रजत की मैं बता दू आवाज को कुछ जरूर दे भाई और तो चलना चाहिए सुपर टैकल पकड़े जाते हैं तो 2 रन 9-10 कोशिश करेंगे लगातार प्रयास कर रहे हैं कानक पर कि हासिल करें अंकों को लेकिन अभी तक कोई अंक नहीं मिला स्कोर है इस समय 9-10
इसी खिलाड़ी के लिए किसी खिलाड़ी ने कहा कि करुआ तेल लगाए हुए हैं, तो इस पहलवान ने क्या किया, मट्टी उठाकर अपने जंगे पे खूब मारा। और राजा जी है, राजा प्यार है कुमार साहब पकड़े गए। एक पॉइंट और बदल को मिला, बहुत ही शानदार। अब पूरी जिम्मेदारी आ गई शेखर के ऊपर, सुपर के माहिर है, पॉइंटों के बड़े माहिर, खतरनाक है शेखर जी। अगर इनके पैर चंबल में आ गए एक नंबर जर्सी के, तो अकेले पकड़ लेते हैं। देख रहा है कितने पॉइंट लिए जाते हैं सुपर के। वाह भाई वाह, 9 और 11 कोई विशेष अंतर नहीं। जहां तक जौनपुर का सवाल है, इसके अच्छे खिलाड़ी दो एंड आई टाइम आउट लिया। एक बार टीम बदल के खिलाड़ियों ने टाइम आउट।